नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत चावला। दोस्तों, जब हम प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं तब हमें कुछ ना कुछ सहारा चाहिए होता है निकालने का। तो कहते हैं कि वक्त हर कुछ हील कर देता है, सब कुछ हील कर देता है। तो क्या आपका टाइम पीस, आपकी घड़ी, आपकी वॉल क्लॉक आपको प्रॉब्लम से निकाल सकती है? मैं बहुत सारी विजिट्स पर जाता हूँ, कई ऐसे घरों में जाता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कई कई महीनों से जॉब नहीं होती है। तो वहाँ पर उपाय या कोई ऐसी तोड़फोड़ वाली बात करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं होता। घड़ी से अगर हम उपाय करना चाहें तो कैसे उपाय कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। आप एक घड़ी लीजिए जो 200, 250 रुपये, 300 रुपये तक की आ जाएगी। घड़ी होनी चाहिए दोस्तों पीले रंग के डायल वाली। पीला रंग होना चाहिए, काला नीला नहीं होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। उससे आपने अपने लिविंग रूम, जो आपका ड्राइंग रूम है या आपका स्टडी रूम है या ऑफिस है या कुछ भी ऐसी जगह है एक्सेप्ट बेडरूम, आप उसे नॉर्थ की दीवार पर लगाइए। नॉर्थ की दीवार पर पीले रंग की घड़ी लगाने से दोस्तों हर तरीके से फिनेंशियल प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। समय फिनेंसिस को लेकर के अच्छा होने लगता है। कोशिश कीजिए कि एक घड़ी की सुई इस तरीके से चलती है जो कि कॉन्टिन्यूस चलती है, वैसी सुई अगर आप लेकर के आते हैं घड़ी की तो बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपका जो समय का मूवमेंट है एकदम रेगुलर रहता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि घड़ी आपके घर में लगी हुई है और आपको पता ही नहीं है कि वह घड़ी बंद पड़ी है, और स्पेशली आपने नॉर्थ की दीवार पे घड़ी लगाई हुई है, तो जितना भी फिनेंशियल इनकमिंग होती है वह रुक जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। नॉर्थ की दीवार पर पीले रंग की घड़ी लगानी है। साफ़ सुथरी घड़ी होनी चाहिए, चलती हुई होनी चाहिए, अच्छे मूवमेंट में होनी चाहिए। इससे आपके फिनेंसेस बहुत अच्छे से रन करेंगे। एक छोटी सी मेडिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत सारे मेडिटेशन सुनी होंगी, देखी होंगी, करी होंगी। आप समय की मेडिटेशन कीजिए। समय के ऊपर मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। नॉर्थ की तरफ मेडिटेट करना बहुत अच्छा है। अपने सामने घड़ी लगाइए पीले रंग की, नॉर्थ की दीवार होनी चाहिए। सोफा पर, चेयर पर, ज़मीन पर कैसे भी आप बैठ जाइए, आप रिलैक्स्ड स्टेट में होने चाहिए। और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर और सांस बाहर आप उसको एनालाइज कीजिए तो आपका ध्यान बिल्कुल भी दूसरी तरफ नहीं जाएगा। आपकी सांसों पर जब आपका ध्यान आएगा और आपकी आंखें टिकी हो आपकी घड़ी के ऊपर, समझ लीजिए कि घड़ी की सुई चल रही है, क्लॉकवाइज पोजीशन में चल रही है। और आप विजुअलाइज कीजिए कि यह समय आपको अच्छे समय की तरफ ले जा रहा है। यह एक बस है, यह एक ट्रेन है, यह एक फ्लाइट है जो ले करके आपको ऐसे समय में जाएगा जहां पे आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिनेंसेस बहुत अच्छे हैं। और समझ लीजिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मन, जो हमारा चेतन मन होता है, वह समझता है, और जो एकदम सबकॉन्शियस मन होता है उसे थोड़ा सा समझाना पड़ता है, झंझकोड़ना पड़ता है, तब वह समझता है। तो मेडिटेटिव अवस्था में जो हमारा सबकॉन्शियस मन होता है वह बड़े आराम से समझ जाता है और स्ट्रांगली समझ जाता है। अपने आप को कहिए कि आप एक विनर हैं, आप एक विजेता हैं, आप समय को जीत लेंगे और समय से आ रही सारी परेशानियों को सॉल्व कर लेंगे। तो समझ लीजिए कि समय आपके हाथ में है और यह उपाय ज़रूर अपनाइए, इससे आपको विजय ज़रूर मिलेगी।